जय शेट्टी का नाम सुना है आपने. ही इज अ मोटिवेशनल स्पीकर, अ लाइफ कोच एंड ही इज अ पॉडकास्टर एंड नाउ एन ऑथर. हाय, हेलो, नमस्ते. माय नेम इज आरजे मंजुला. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जिस चैनल पर हम बुक्स, 90s पोएट्री और लाइफ की बातें करते हैं. एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू अ बुक बाय जय शेट्टी एंड इट्स कॉल्ड थिंक लाइक अ मंक. Now, just to tell you a little bit about the author of this book, Jay Shetty. I'm sure इनके inspirational और motivational videos आप देखते ही रहते हैं Facebook पे, YouTube पे, everywhere, and they're very, very popular. But Jay Shetty की जो story है, that is very inspiring. In fact, do you know he was suspended from his school at least 3 times for a lot of things that you're not supposed to do in schools, like drugs. But how his life changed when he met a monk. So, इस बुक में ना बहुत सारी प्रैक्टिकल एडवाइसेस हैं, बिकॉज ही इज बीन अ मंक बिफोर. जय शेट्टी जो है एक आश्रम में उन्होंने मंक की तरह जिया है. सो नाउ बिकॉज ही इज लिविंग अ लाइफ लाइक यू एंड मी, तो इस लाइफ में आप उन आश्रम के रूल्स को कैसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, दैट्स वॉट दिस बुक इज ऑल अबाउट. So the book is divided into many chapters. You know, there are chapters which talks about how to control your ego, how to let go, how to not overthink, you know, how to think positive and how to stay away from negative people, and many more chapters. And every chapter has some practical advice from his monk days. So you know what, he has a very nice reference to the monk mind, and jo hum logon ka dimag hota hai na usko wo bulate hain monkey mind, the mind that is not tamed or controlled. So according to Jay Shetty, he says in this book that becoming a monk is a mindset that anyone can adopt. So kisi ashram mein jane ki zarurat nahi hai, but kaise aap daily life mein kuch aisi cheeze kar sakte hain jisse aap jo hai ek पर्पज वाली लाइफ जी सकते हैं, मतलब एक फुल और हैप्पी लाइफ जी सकते हैं. एंड ही हैज गिवन एग्जाम्पल्स ऑफ लॉट ऑफ पीपल हुव यू नो शेयर्ड देयर इश्यूज विद हिम एंड देन हाउ ही गेव देम सम प्रैक्टिकल एडवाइसेस. एंड ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट द करेक्ट ब्रीदिंग. ही सेज दैट यू नो ब्रीदिंग एंड मेडिटेशन आर वेरी वेरी हेल्पफुल, एंड ही इज ऑल्सो गिवन सम प्रैक्टिकल एडवाइसेज ऑन मेडिटेशन. सो वैसे तो इस बुक में ना बहुत सारी ऐसी ब्यूटिफुल लर्निंग्स हैं जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. बट यू नो एक ब्यूटिफुल पार्ट है इस बुक में जहां पर जय शेट्टी ने ना एक सॉल्ट का एग्जाम्पल लेके, नमक का एग्जाम्पल लेके ईगो को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. एंड सॉल्ट ना ही इज यूज्ड सो मेनी टाइम्स इन मेनी मेनी एग्जाम्पल्स, एंड इट्स वेरी ब्यूटिफुल एंड सिंपल. एंड आई एम गोइंग टू रीड दैट आउट फॉर यू बिकॉज इट्स माई फेवरेट लाइन्स इन द बुक. इट सेज दैट वी ओनली नोटिस सॉल्ट वेन देर इज टू मच ऑफ इट इन आवर फूड और नॉट इनफ. Nobody ever says, wow, this meal has the perfect amount of salt. When salt is used in the best way possible, it goes unrecognized. Salt is so humble that when something goes wrong, it takes the blame. And when everything goes right, it doesn't take the credit. In fact, इसी salt का example देकर ना जय शेट्टी has tried to explain it to us that how it is very, very important to share our pain with large number of people. So he says, the salt is the pain of life. It is constant. But if you put it in a small glass, it tastes bitter. If you put it in a lake, you can't taste it. Expand your senses, expand your world, and the pain will diminish. Don't be the glass, become a lake. So of course, इस बुक में भी एक ही वीकनेस है, एंड दैट इज इफ यू रेड लॉट ऑफ बुक्स ऑन बुद्धिज्म और मे बी बुक्स, मोटिवेशनल बुक्स और इंस्पिरेशनल बुक्स, तो आपको थोड़े से चैप्टर्स जो है बहुत ज्यादा रिपीटेड लगेंगे, मतलब आपको लगेगा कि ये आपने पहले पढ़ा है. बट इफ यू हैव नॉट रेड दैट मच मोटिवेशनल वीडियोज, देन प्लीज दिस बुक इज अ मस्ट मस्ट रीड. एंड एंड में ना इस बुक के देर इज एन इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी टेस्ट, सो डू अटेम्प्ट दैट. So I really wish कि आप और मैं अपने monkey mind को monk mind बना सकें. I hope you like this video, you like this book review. If you did, then please share it with your friends who are book lovers, and also subscribe to my channel. Don't forget to press the bell icon. That is very important because you'll get notifications every time I upload a video. We'll meet soon with a new book review. तब तक के लिए keep reading and keep smiling.